गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीएसटी आर वन या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर अब आपको रीसेट बटन का ऑप्शन जो है वो दे दिया जाएगा। जी हां फ्रेंड्स, अब आप अपनी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को और जीएसटी आर वन को जो है वो अब रीसेट कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ वो ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखेगा और उसे आप कब यूज कर सकते हैं, किस सिचुएशन में आपको रीसेट करने का ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। अगर आप एक सीए स्टूडेंट हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या फिर नवंबर 21 का जो सीए एग्जाम होने वाला है उसमें आप अपीयर करने वाले हैं, तो आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट है अन अकेडमी की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, अन अकेडमी ला रहा है आपके लिए योद्धा बैच जो कि 4 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं बेस्ट फैकल्टीज एंड एडुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया की तरफ से बताई जाएंगी, जिसमें अकाउंटेंसी से रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एंड जीएसटी का जो सब्जेक्ट है वो कवरेज मिलने वाला है। इसके अंदर जो आपको फैसिलिटीज मिलेंगी वो रहेंगी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, क्विजेस एंड पोल्स के थ्रू आप अपने सवाल जवाब कर पाएंगे, यहां पर आपकी जो डाउट्स होंगी उसके लिए सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद अनलिमिटेड व्यूज की फैसिलिटी भी आपके पास रहेगी। तो अगर आप इस चीज का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जीएसटी प्लेटफॉर्म का जो कोड है जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है उसको यूज करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से इस कोर्स को आप सब्सक्राइब करा सकते हैं और 10% का डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने ओपन है हमारे पास आईएफएफ का जो हेल्प मेन्यू है वो। इसके अंदर इन्होंने बता रखा है जब आप डेटा यहाँ पर फीड कर लेंगे, चाहे वो B2B के अंदर 4A, 4B, 4C, 6B और 6C का इनवॉइसेस है वो, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, और इसके साथ साथ अमेंडेड डेटा जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास रीसेट बटन जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। कब यूज कर पाएंगे और क्या इसका प्रोसेस होगा वो अभी आपको मैं बताने वाला हूं। अब जो है यहां पर आप देख पा रहे हैं इन्होंने FAQs दे रखा है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अंडर QRMP स्कीम के लिए। यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ चीजें बता रखी हैं कि अगर आपको डेटा रीसेट करना है तो वो रीसेट फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा। फॉर विच ऑल मंथ्स ऑफ अ क्वार्टर विल आई बी एबल टू डिलीट द सेव्ड डेटा यूजिंग द रीसेट बटन, यानी कि कौन से महीने के लिए, एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं और पहले 2 महीने के लिए आपको IFF करना है, तो उन 2 महीने में से कौन सा महीना होगा जिसमें आपके पास रीसेट वाला ऑप्शन जो रहेगा। यू कैन यूज द रीसेट बटन टू डिलीट ऑल द सेव्ड डेटा फॉर ऑल द रिटर्न पीरियड्स। जो हमारे पास ये रीसेट बटन होगा ये आपके पास अवेलेबल होगा हर सेव्ड डेटा को डिलीट करने के लिए किसी भी रिटर्न पीरियड के लिए, वो हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फाइलिंग प्रेफरेंसेस और प्रोफाइल, यानी कि मंथली हो या क्वार्टरली हो ये रीसेट बटन जो है हर किसी के लिए अवेलेबल करवाया दिया। ये जो रीसेट बटन है ये हर एक बंदे के लिए, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो रेगुलर रिटर्न्स भर रहा है उसके लिए ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जो ये रीसेट का बटन है ये रहेगा सेव्ड स्टेज पे। आपने इनवॉइस अपलोड कर दिया, इनवॉइस आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो गया। इस चीज को आप ऐसे समझिए, जब आप अपने इनवॉइसेस को जीएसटी आर वन में अपलोड करते हैं तो डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट होता है इन नंबर्स कि कितने इनवॉइसेस आपने अपलोड करे या कितनी एंट्रीज आपने करी। उसके बाद आप रिटर्न को करते हैं सबमिट और उसके बाद करते हैं फाइल। अगर आपने सबमिट कर दी है या फाइल कर दिया है तो ये रीसेट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। ये रीसेट का बटन सिर्फ और सिर्फ सेव्ड स्टेज तक दिया गया है। सर इसका क्या फायदा है? सर बहुत फायदा है इसका भी। इसका फायदा यह है, लेट सपोज आपने मोर देन 500 इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड कर दी हैं और वो इनवॉइसेस गलत हो गई हैं या उसमें डुप्लीकेट इनवॉइसेस चले गए, तो अब 1-1 टाइप के इनवॉइसेस, अलग अलग इनवॉइसेस को डिलीट करने में काफी टाइम वेस्ट हुआ करता था।
अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली से उसे रीसेट कर सकते हैं और जो डेटा गलत सेव हो गया है उसे आप जीएसटी पोर्टल से है वो हटा देंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है रीसेट बटन से। इफ आई एम नॉट अ क्वार्टरली प्रोफाइल टैक्स पेयर विल आई स्टिल बी एबल टू व्यू एंड क्लिक द रीसेट बटन टू डिलीट द डिटेल्स। अगर मैं क्वार्टरली में नहीं हूं तो क्या फिर भी मुझे रीसेट बटन मिलेगा? यस, द रीसेट बटन इज अवेलेबल फॉर ऑल द टैक्स पेयर प्रोफाइल। ये जो रीसेट का बटन है ये हर एक टैक्स पेयर प्रोफाइल के लिए अवेलेबल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इफ आई हैव सबमिटेड आईएफएफ डिटेल्स, अगर हमने डिटेल्स सबमिट कर दी है, विल आई स्टिल बी एबल टू डिलीट द डिटेल्स यूजिंग द रीसेट बटन? अगर मैंने आईएफएफ की डिटेल्स को सबमिट कर दिया है तो क्या उसके बाद भी इस रीसेट बटन को यूज करके डिलीट किया जा पाएगा? नो, यू कैन नॉट डिलीट द सबमिटेड आईएफएफ डिटेल्स। अगर आपने आईएफएफ डिटेल्स सबमिट कर दी है या फिर जीएसटीआर 1 की डिटेल्स सबमिट कर दी है तो आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। द रीसेट बटन इज यूज्ड टू डिलीट ओनली द सेव्ड डिटेल्स एंड नॉट द सबमिटेड और फाइल्ड डिटेल्स। ये जो रीसेट बटन है ये सिर्फ और सिर्फ सेव्ड डेटा और जो फाइल और सबमिट नहीं हुआ है उसे हटाने या एडिट करने के लिए दिया गया है। तो ये एक अच्छा फीचर जो है जीएसटी आईएफएफ और जीएसटीआर 1 के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो जीएसटी की क्यूआरएमपी स्कीम 1 जनवरी से लागू हो चुकी है, जिसके लिए आपको अब तैयारी स्टार्ट करनी है। इसके साथ साथ जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C है फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड, वो भी आपको फाइलिंग करना है 28 फरवरी 2021 से पहले। अगर आपने अभी तक फाइलिंग स्टार्ट नहीं करी है तो कर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस फाइलिंग में तो 24 जनवरी 2021 को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 9 और 9C के लिए, जिसमें 19-20 से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताया जाएगा। हो सकता है आपका 18-19 का डेटा 19-20 में आ रहा हो, किसी किसी का 17-18 का डेटा 19-20 में आ गया हो, तो उन सारी चीजों को कैसे एडजस्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशंस ओपन है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो हमारा जो जनवरी महीने का टैक्स मैगजीन है वो अब रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमने दिसंबर महीने के चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया है। दिसंबर महीने के अंदर नोटिफिकेशन नंबर 94 आया था, जिसमें रूल 86B, रूल 36(4) और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से रिलेटेड काफी बड़े अमेंडमेंट्स किए गए हैं। इन सारे दिसंबर महीने के चेंजेस को हमने जनवरी एडिशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है मैगजीन, तो मैगजीन लेने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी कॉपीज जो हैं वो बुक करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो आईएफएफ फैसिलिटी है उसका रीसेट बटन किस तरीके से काम करने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।